महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना कुल 48 सीटों में से सबसे अधिक 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस 17 और शरद पवार की पार्टी एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तीनों दलों के सांगली, भिवंडी और मुंबई नॉर्थ सीट पर टकराव बना हुआ है। हालांकि अब तस्वीर साफ हो गई है, भिंडवी सीट पर एनसीपी लड़ेगी। गठबंधन समझौते के तहत संगाली सीट शिवसेना और मुंबई नॉर्थ सीट कांग्रेस के खाते में गई है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले की घोषणा के लिए एमवीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसमें शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सीट बंटवारे का ऐलान करते हुए शरद पवार ने कहा कि हम सभी साथ में हैं, कोई मतभेद नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रकाश अंबेडकर साथ नहीं है, इसका दुख है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर शीर्ष नेताओं की कई दौर की बातचीत हुई। कुछ सीटों पर शिवसेना कांग्रेस के नेता दावा ठोक रहे थे। पार्टी में विभाजन के बाद शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।